स्थान। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एच एस आनंद, BHM में सम्मुख है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं बच्चों का दांत निकलने में संपूर्ण बीमारी का सोल्यूशन क्या है। बच्चों के दांत निकलने में संपूर्ण बीमारी जैसे पतले दस्त होना, ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहना, हर वक्त रोते रहना, बच्चा हर समय कमजोर होते जाना, भूख कम लगना, दूध पीने के बाद उल्टी हो जाना, इत्यादि बीमारियों का समाधान क्या है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। ये मेडिसिन है कैल्केरिया फोस, ये मेडिसिन है बीवी फोस चिल्ड्रेन टॉनिक। बीवी फोस चिल्ड्रेन टॉनिक बच्चों व शिशुओं के लिए भूख बढ़ाने, स्वस्थ हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए वो बढ़ाने के लिए, दांत देर से निकालना, सूखा रोग के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध टॉनिक है। बेबी फॉर चिल्ड्रन टॉनिक, हेल्दी बेबीज। आइए जानते हैं इसका कंपोजिशन क्या है और इसका वर्क क्या है। प्रथम दवा है कोमोमिला। कोमोमिला जैसे ही नाम स्मरण आता है तो समझना चाहिए कि बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो कोमोमिला दो बूंद उसका आवश्यकता है। इसमें कोमोमिला मिला हुआ है, बच्चे के रोने में, चिड़चिड़ापन रहने में बहुत ही लाभकारी है। दूसरा दवा है कैल्केरिया कार्ब। कैल्केरिया कार्ब बच्चे को दांत देर से निकलने, बहुत 6 मंथ से 1 वर्ष हो गया है फिर भी दांत नहीं निकल रहा, उसमें कैल्केरिया कार्ब बहुत ही लाभदायक है। दांत देर से निकलने और समय पर ज्वर बुखार रहने पर पेट दर्द में अकड़न इत्यादि नाना प्रकार की बीमारियां हो जाए, उसमें कैल्केरिया कार्ब लाभदायक है। दूसरी दवा है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम दांत निकलने के समय तरह तरह के रंगों का दस्त होना, दांत निकलने के समय किसी किसी बच्चे को बुखार होना, दांत कड़कड़ाना, लगातार मसूड़े चबाना, सिर हिलाना, घो घो करना, हर वक्त रियाया करना, इत्यादि लक्षण रहने पर पोडोफाइलम लाभकारी मेडिसिन है। तीसरी दवा है सिंकोना ऑफ। बच्चे को पेट में गैस बनना, वायु छूटना, भूख कम लगना इत्यादि दवाओं बीमारियों में सिंकोना ऑफ बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। चौथा मेडिसिन है इसमें कैल्केरिया फास्फोरिकम। कैल्केरिया फास्फोरिकम दांत देर से निकलने, अक्सर दांतों में दर्द बना रहना, नए नए दांतों में छेद हो जाना, दिखाई देना, पुराने दांत स्वाभाविक रूप से हट जाना, बड़ा दांत हो जाना, दांत गिरना, नियमित रूप से कैल्केरिया फोस के सेवन करने से दांत बहुत जल्दी आ जाते हैं और दांत आने में तकलीफ, दस्त होना, पतले दस्त होना, वायु बनना, चिड़चिड़ापन रहना, शरीर हेल्दी नहीं होना, इसमें बहुत ही प्रभावशाली है। बेबी फोस टॉनिक चिल्ड्रेन टॉनिक बच्चे के लिए रामबाण औषधि है। दूसरी सिरप है बेबी टोनप। बेबी टोनप जैसे ही नाम आता है तो बच्चे को शारीरिक विकास, बच्चों को लंबा करने, बच्चों को मानसिक विकास करने में, बच्चों को शरीर का विकास करने में, हेल्दी बनाने में बहुत ही प्रभावशाली सिरप है बेबी टोनप। आइए जानते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। अल्फा लफा। अल्फा लफा आप लोग जानते होंगे कि बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकत देने वाला मेडिसिन है। दूसरी दवा है एवेना सेटिवा। एवेना सेटिवा शरीर में ताकत देने, बलवान बनाने में बहुत ही प्रभावशाली है। तीसरी दवा है सिंकोना। सिंकोना पेट में कब्ज रहना, एसिडिटी बनना, वायु बनना, भूख कम लगने में बहुत ही प्रभावशाली है। चौथी दवा है हाइड्रास्टिस्केन। हाइड्रास्टिस्केन बहुत ही प्रभावशाली कब्ज एसिडिटी के लिए, भूख बढ़ाने के लिए है। तीसरी मेडिसिन है सीना। पेट में कृमि हो जाता है, जोक्ती हो जाता है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सीना। चिल्डोनियम बच्चे को पीलापन की बीमारी हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, भूख कम लगता है, दूध उल्टी हो जाता है, उसमें बहुत प्रभावशाली है।
लिपेंड्रा लिपेंड्रा बच्चों के दांत निकलने में बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। नक्स भूमिका है, नक्स भूमिका पेट में वायु बन रहा है, गैस बन रहा है, उसको दूर करने के लिए बहुत ही रामबाण दवा है। कोमे मिला पेट में दर्द बन रहा हो, चिड़चिड़ापन हो, इसमें बहुत ही प्रभावशाली है। एंड्रोग्राफिक, एंड्रोग्राफिक बच्चों को दांत निकलने में देर हो रहा है, उसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। क्रैकिया पपाया, बच्चे दूध पी रहा और बार बार उल्टी हो जा रहा है, उसमें बहुत ही प्रभावशाली है। कैलिफोस, कैलिफोस मस्तिष्क को विकास करने के लिए बच्चों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कैल्केरिया फोस, बच्चे को असमय दांत खराब होता हो जाते हैं, बच्चों के दांत निकलने में बहुत ही लेट हो रहा है, बच्चे को उल्टी दस्त हो रहा है, बुखार लग रहे हैं, इसमें बहुत प्रभावशाली है। नेट्रम फोस, नेट्रम फोस शरीर को विकास करने के लिए, बच्चे के मस्तिष्क के विकास करने में बहुत ही प्रभावशाली है। मैग्नेशिया फोस, बच्चे के अकड़न जकड़न शरीर में बना रहना, इसके लिए बहुत ही प्रभावशाली है। ये बेबी टोनक सिरप 6 मंथ से लेकर 1 वर्ष तक 2.5 ml का प्रयोग करेंगे। एक वर्ष हो जाए तो 5 ml सुबह शाम देंगे। लगातार 3 साल प्रयोग करने पर बेबी टोनक बच्चे के हाई मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होने लगता है। तीसरी टॉनिक है कैल्सीटोन, कैल्सीटोन बच्चे के सूखा रोग के लिए बहुत ही प्रभावशाली कैल्शियम पाउडर है। इसको लेने का विधि है 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक 1/2 चम्मच दूध में मिलाकर देने से बच्चा हृष्ट पुष्ट बलवान होने लगता है एवं सूखा रोग की बीमारी होने से बचता है। सूखा रोग यानी माथा बड़ा हो जाना, पेट बड़ा हो जाना, हाथ पर पतला होने में इसका कंपोजिशन देखिए क्या है। इसका कंपोजिशन है कैल्केरिया फोस, कैल्केरिया फोस बहुत ही इफेक्टिव प्रभावशाली दांत आने की बीमारी के लिए प्रभावशाली है। दूसरी है इसमें कैल्केरिया फ्लोरिका, कैल्केरिया फ्लोरिका बच्चे का वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। फेरम फोस, फेरम फोस बच्चों को ताकत देने के लिए, जल्द बोलने के लिए बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। साइलेसिया है चौथी मेडिसिन, साइलेसिया है बच्चों को सूखा रोग से बचाता है। सूखा रोग यानी हाथ पैर पतला हो जाना, माथा बड़ा हो जाना, पेट बड़ा हो जाना, ये कैल्सीटोन 6 मंथ से लेकर 2 वर्ष तक 1/2 चम्मच दूध मिलाकर देने से बच्चा हृष्ट पुष्ट बलवान हो जाता है एवं सूखा रोग सुखंडी रोग उसे कभी नहीं पकड़ता है। ये 3 टॉनिक बच्चे के लिए रामबाण टॉनिक है। इसे लगातार 6 मंथ से लेकर 3 वर्ष तक प्रयोग करना चाहिए। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं। ओके, थैंक्स।